वेरी वेलकम यू ऑल इन द कोडिंग एक्सपर्ट क्लासेस. सो आज से अपन पढ़ेंगे एक नया टॉपिक दैट इज डेटा स्ट्रक्चर. सो जो आज का अपना टॉपिक है दैट इज डेटा स्ट्रक्चर. सो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपन बात करें अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर या कंप्यूटर साइंस के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन माइंड में आता है व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर. तो सिंपल से अपन कह सकते हैं कि अरेंजिंग अ डेटा और अ वैल्यू इन अ मैनरफुल ऑर्डर सो दैट अपन उसको आराम से स्टोर कर पाए, आराम से एक्सेस कर पाए, यूज कर पाए. तो किसी भी चीज को इस तरीके से जमाना, इस तरीके से रखना कि अपन है ना उसको आराम से रख पाए और उठा भी पाए. एग्जाम्पल में बताऊँ, जैसे सब जगह लाइब्रेरी होती है. माना कि कुछ बुक्स हैं आपके पास, कंप्यूटर की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, सब बुक्स को आपने एक साथ एक ढेर बना दिया. तो इजी टू स्टोर, तो रखने के लिए तो ये आपके लिए इजी हुआ. बट जब उसको आप यूज करोगे तो आपको इसमें फाइंड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि जो बुक मेरे को चाहिए वो बुक इसमें है या नहीं है. ये चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी. सो फाइंडिंग इज डिफिकल्ट और वी कैन से फाइंड करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं कि माना आपने लाइब्रेरी को कुछ टुकड़ों में बांट दिया और बोल दिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की है, यहाँ पर आपका अपन कह सकते हैं फॉर एग्जांपल सीएस की है, या मैकेनिकल की है, यहाँ पे अपन कह सकते हैं सिविल की है, और भी ये AI कोई ब्रांच हो सपोज एग्जाम्पल उसकी है, ECE के हैं और कुछ ब्रांचेज हैं. तो अपन ने बना दिया ये माना कि शेल्फ 1, शेल्फ 2, शेल्फ 3, शेल्फ 4, 5 एंड 6. तो कुछ शेल्फों में अपन ने डिवाइड कर दिया. तो स्टोर करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट उसको फाइंड करना, रिट्रीव करना या डेटा को यूज करना वो क्या होगा, इट इज वेरी इजी. अपन कह सकते हैं आराम से अपन यूज कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं. तो डेटा स्ट्रक्चर अपन को ये बताता है कि किसी भी डेटा को किस तरीके से अरेंज किया जाए ताकि अपन आराम से उसको यूज कर पाए और वो स्टोरेज भी कम ले. बहुत सारी तरीके जो होते हैं वो उसमें होने चाहिए. नाउ और आगे बढ़ते अपन देखिए नेक्स्ट. अगर इसमें देखें तो डेटा स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं. जैसे अपन कह सकते हैं एक होता है लीनियर, यहाँ पर इसको दो कैटेगरी में बांटे. डेटा स्ट्रक्चर है तो लीनियर और नॉन लीनियर, दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं. लीनियर के अंदर आपका आता है एरे और लिंक्ड लिस्ट. तो लिंक्ड लिस्ट जो है आपका दैट इज एंड एरे जो है वो आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं. नॉन लीनियर में आपका होता है ट्री, ग्राफ. तो ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर आप किसी के अंदर आते हैं. और अगर अपन थोड़ा बोले तो एक अपन स्टैक भी यूज करते हैं और एक यूज करते हैं क्यू. तो ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है. लेकिन डेटा स्ट्रक्चर जो है वो आपके अपन कह सकते हैं लीनियर में आपके आते हैं एरे और लिंक्ड लिस्ट, और नॉन लीनियर में आते हैं आपका ट्री और ग्राफ. तो ये आपका सिंपल सा कुछ अरेंजमेंट है जिसको अपन देखेंगे. जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया we have two types of data structure, one is a linear and another one is a non-linear. ठीक है. तो अगर अपन बात करें सिंपल से अगर एरे से शुरू करें, क्योंकि जैसे अगर अपन सिलेबस को देखें, जैसे आपके मैं सिलेबस को बताऊं, यहाँ पर बात करें जो आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है उसमें सिलेबस का दे रखा है, जिसको अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहले आपका ये सिलेबस दे रखा है उसको अपन देखते हैं. अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, इट इज पेपर टू में. अगर अपन देखें डेटा स्ट्रक्चर में तो सबसे पहला आपका आ रहा है एरे. ये आप देखिए ये आपका पॉइंट आ रहा है सबसे पहले एरे. तो अपन एरे को डिस्कस कर रहे हैं और एरे के बाद जो है वो आगे टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर अपन बात करें जो टॉपिक है आपका एरे,
एरे के ऊपर बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दूसरा जो मेमोरी एलोकेशन है ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का मतलब एक के बाद एक। और तीसरा जो है यह एक डिराइव डेटा स्ट्रक्चर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मेमोरी एलोकेशन इज कंटिन्यूस और ये एक डिराइव डेटा टाइप है। अगर अपन बात करें एरे डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स या कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप डेटा टाइप एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कुछ इंटीजर लेने, माना कि इंट एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। और इन सातों को अलग अलग ना लेके अगर मैं इसको एरे से डिक्लेयर करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स ऑफ 7। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास कितने एलिमेंट्स आ गए, टोटल मेरे पास 7 एलिमेंट्स आ गए। तो आई होप एरे की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़े बहुत पता होंगे। तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज एन एरे, हाउ वी कैन डिक्लेयर एन एरे, किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा पता होगा। तो इसी में आगे बढ़ते हैं अपन। अब एरे जो है इसको कुछ कैटेगरी में बांटा भी गया है, जैसे 1D जिसको बोलते हैं अपन वन डायमेंशन एरे, देन 2D या फिर ND। तो जिसमें सपोज एक सबस्क्रिप्ट हो, फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया एक्स ऑफ 7 तो ये 1D है, मैं लिख दिया एक्स ऑफ 2 ऑफ 3 तो ये क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा 2D। फिर मैं लिख दिया एक्स ऑफ 2 3 4 फॉर एग्जांपल तो ये क्या कहलाएगा, आपका ND है। इसी प्रकार अगर इसको डिक्लेरेशन में देखें तो दो तरीके से इसका डिक्लेयर होता है, एक होता है कंपाइल टाइप और एक होता है आपका रन टाइप। इसको बोलते हैं अपन स्टैटिक एरे और इसको बोलते हैं अपन डायनेमिक एरे। स्टैटिक मतलब कंपाइल टाइम पे, डायनेमिक मतलब रन टाइम पे। दोनों में फर्क क्या है, अगर आपने किसी एरे को स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो आप उसकी साइज रन होने के बाद ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, एक बार जो डिक्लेयर कर दी वो साइज क्या रहेगी, आपकी फिक्स रहेगी। बट अगर अपन बात करें तो डायनेमिक एरे की, तो डायनेमिक एरे की अगर अपन बात करें तो डायनेमिक एरे की साइज जो है वो अपन रन टाइम पर डिफाइन करते हैं, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन की सहायता से अपन डायनेमिक एरे की साइज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। सो स्टैटिक एरे की अगर अपन बात करें तो स्टैटिक एरे जो है उसको सिंपल सा जब अपन प्रोग्राम बनाए, जैसे कि मैंने लिखा इंट मैन और इसमें लिख दिया इंट एक्स ऑफ 5 कुछ कोड और लिखा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, स्टैटिक एरे, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं लिखता हूँ डायनामिक, ये तो स्टैटिक एरे हो गया, इसकी साइज जो है वो फिक्स होगी, कितनी साइज फिक्स होगी इसकी, 5, न 5 से आप कम कर सकते हो न ही 5 से आप बढ़ा सकते हो, ये साइज क्या होगी आपकी, फिक्स होगी। अगर आपको 3 एलिमेंट यूज करने हैं तो 2 का आपका लॉस होगा, अगर आपको 6 यूज करने हैं तो आप केवल 5 यूज कर पाएंगे और 1 आपका क्या हो जाएगा, लेस कम पड़ जाएगा आपका। तो स्टैटिक में लिमिटेशन से एक बार आपने जो डिफाइन कर दिया आपकी साइज उतनी ही रहेगी, ना तो आप कम कर सकते हैं ना उसको बढ़ा सकते हैं। अगर यही चीज अपन बात करें डायनेमिक की, देखो इसको अपन अगर इंप्लीमेंट करें दो तरीके से, एक बात करें सी के और एक बात करें C++, ठीक है। तो सी में अपन यूज करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन, दैट इज मैलॉक, क्या लॉक, री अलॉक,
और एक होता है फ्री, रीअलॉक, REALOC, रीअलॉक, मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक, और एक क्या होता है आपका फ्री। ये क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस। ठीक है, अगर अपन सी प्लस प्लस में बात करें तो इसमें दो होते हैं, एक होता है न्यू जिसको अपन लिखते हैं न्यू, और एक होता है आपका डिलीट। ये वो दो चीजें से आपका काम होता है। ठीक है, तो अपन सी प्लस प्लस वाले से देखेंगे मैलॉक कैलॉक रीलॉक से कैसे करते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब भी आपका वर्ड आया डायनामिक तो मतलब अपन यूज करेंगे पॉइंटर का। पॉइंटर का मतलब क्या होता है, पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है जो कि किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, वो भी सेम टाइप का। अगर पॉइंटर आपका कैरेक्टर टाइप का, अगर बात करें डेटा जिसको पॉइंट करना है वो आपका कैरेक्टर है, तो पॉइंटर को भी अपन को कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने डायनेमिकली क्रिएट करा हूं, तो मैं तो एक ले लेता हूं, सपोज मैं लिखता हूं इंट मैन, यहां मैं लिखता हूं इंट साइज, एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं साइज पूछ रहा हूं। माना कि आपने साइज डाल दी, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया साइज डालिए, आपने साइज डाल दी, फॉर एग्जांपल साइज इज इक्वल्स टू 5। अब आपको लेना है तो आपको एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा इन टाइप की। आपको अगर डेटा टाइप लेना है या एरे लेना है डायनेमिकली, तो इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू, ये इंट में कन्वर्ट हो रहा है तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अपन को इसको टाइप कास्ट करना है, तो इंट स्टार अपन इसको टाइप कास्ट कर रहे हैं, देन मैलॉक, देन मैलॉक के बाद साइज कितनी बाइट की साइज, जैसे कुछ कंपाइलर में आपकी होती है इंटीजर 4 बाइट, कुछ में होती है 2 बाइट, यहाँ मैं लिख लेता हूँ साइज ऑफ इंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर 2 बाइट होगी तो मैलॉक क्या करेगा, 2 बाइट का एक ब्लॉक रिजर्व करेगा। ठीक है, और ये मैलॉक केवल एक ब्लॉक के लिए रिजर्व के आपका होता है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल ब्लॉक रिजर्व करने हैं, मतलब जैसे आपको एरो बनाना है, तो अपन यूज करेंगे कैलॉक। तो वो कैसे यूज होता है, इंट स्टार पी इज इक्वल टू इंट स्टार क्या लॉक, यहाँ पे साइज जितनी साइज अपन देना चाहते हैं, यहाँ पर साइज क्या दिया अपने 5, तो इसकी वैल्यू 5 है, और इंटीजर टाइप एरे बना रहे तो मैं लिखूंगा साइज ऑफ इंट। तो इससे क्या हो गया, जैसे अपन ये लिखेंगे इससे आपकी मेमोरी में एक एरे बनेगा, उसके अंदर टोटल आपके जो ब्लॉक होंगे वो 5 ब्लॉक होंगे, और इसके स्टार्टिंग एलिमेंट को जो पॉइंट करेगा वो कौन पॉइंट करेगा, पॉइंटर पी। तो ये डायनेमिक एरे बन गया, अब इसको कौन पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर पी। इस एरे का कोई नेम नहीं है, नो नेम, इसको कौन पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर पी। पी पहले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, फिर पी प्लस प्लस करेंगे तो अगले में जाएगा, अगले में जाएगा, अगले में जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये आपका डायनेमिक एरे होता है जो कि अपन यूज करते हैं सी लैंग्वेज के। इसी प्रकार अगर अपन मैलॉक कैलॉक के अलावा बात करें सी प्लस प्लस में, तो उसमें अपन यूज करते हैं न्यू और डिलीट। ठीक है, न्यू और डिलीट की बात करें तो न्यू और डिलीट दोनों डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन में यूज होते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहां लिखूंगा मैं इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू न्यू इंट फॉर एग्जांपल 5। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीजर एरे बनेगा जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे, और सबसे पहले पॉइंट कौन करेगा आपका, पॉइंटर पी। तो ये एरे बन गया। तो यहाँ पर ये जो साइज लिखी है, यहाँ पर मैंने 5 लिखा है, आप चाहें तो यूजर से एक वेरिएबल ले लें साइज का, यूजर से इनपुट करवाएं रन टाइम पे, और इसकी जगह इस यहाँ पर क्या नाम आ जाएगा, यहाँ पर नाम आ जाएगा साइज। ठीक है, तो जो आप साइज डालेंगे वो साइज डिक्लेयर हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं अपन डायनेमिक एरे। तो ये आपका डायनेमिक एरे का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। डीप पे पढ़ने जाए तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। सो इट इज़ योर डायनेमिक एरे। अब अगर एरे की बात करें तो इसमें कुछ ये आ सकता है, जैसे आपके 2 टाइप के
ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या अपन कह सकते हैं, एक होता है आपका स्टैक और एक होता है आपका क्यू। ठीक है, स्टैक आपका बेस्ट होता है लीफो प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये जो होता है ये होता है आपका फीफो, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये दो प्रकार के कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इसमें आपके ऑपरेशंस होते हैं फॉर एग्जांपल कलर चेंज कर देते हैं पर एक आपका ऑपरेशंस होता है जिसका और बोलते हैं पुश और एक ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं पॉप। पुश का मतलब होता है इंसर्ट और पॉप का मतलब होता है आपका डिलीट। दो ऑपरेशन हो गए, एक हो गया पुश, एक ऑपरेशन हो गया आपका पॉप इंसर्ट और एक हो गया आपका डिलीट। दो ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं स्टैक की, तो स्टैक आप मान लीजिए कि एक ऐसा डिब्बा है जो एक तरफ से क्लोज है और एक तरफ से क्या है ओपन, और यहां से क्या है क्लोज। और क्यू की बात करें तो आप ये मान लीजिए कि क्यू एक ऐसा पाइप है जो दोनों तरफ से ओपन है, यहां से भी ओपन है और यहां से भी ओपन, दोनों तरफ से वो क्या है आपका ओपन। अब मुझे इंसर्ट करना है तो इंसर्ट यही होगा और मुझे डिलीट करना है तो डिलीट भी यही से होगा। तो इसका मतलब अगर स्टैक है तो इंसर्ट एंड डिलीट टेक्स प्लेस एट वन एंड। तो इंसर्शन और डिलीशन दोनों का होते हैं एक ही एंड पे, किसके अंदर ये बात कर रहा हूं मैं स्टैक के अंदर। लेकिन यही मैं अगर बोलू क्यू के अंदर सो तो एक तरफ तो होता है इंसर्ट इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस एट डिफरेंट अलग अलग एंड पे लेते हैं। जैसे कि अभी अपन ने बोला कि यहां से अगर इंसर्ट हो रहा है, अगर यहां से अपन इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यू तो यहां से क्या होगा डिलीट। ठीक है, माना अगर ये मेरा फ्रंट है और ये मेरा रियर है, ठीक है, तो रियर से आपकी वैल्यू क्या होती है इंसर्ट होती है और फ्रंट से आपकी वैल्यू क्या होती है डिलीट होती है। ये कुछ इस तरीके से आप मान सकते हैं इसको, अगर आपको मानना है तो यू कैन से लाइक कि ये कोई टिकट काउंटर है, इसको यहाँ बनाता हूँ मैं, ये कोई टिकट काउंटर की विंडो है और यहाँ पर कुछ पीपल जो हैं वो टिकट लेने आए हैं। ठीक है, तो ये सपोज ये आ गया सुबह 8 बजे, ये 8:10 पे आया, ये 9 बजे आया, ये 9:10 पे आया फॉर एग्जांपल। तो ये सबसे पहला आया, फर्स्ट में आया, तो टिकट इसको पहले मिलेगा, फर्स्ट में क्या जाएगा आउट जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये सबसे लास्ट में आया तो बाहर भी क्या जाएगा, लास्ट में ये बाहर निकलेगा। तो इसलिए बेस्ट होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहला आएगा वो सबसे पहले जाएगा। तो ये तो आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया क्यू का। और इसी प्रकार अगर आप बात करें स्टैक की, तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप कुछ एक डिब्बे में बुक रख रहे हैं, माने कि बुक ए रखी, बुक बी रखी, बुक सी रखी, बुक डी रखी,
जब आप उसको डिलीट करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो सबसे पहले कौन सी बुक निकलेगी? डी निकलेगी। जबकि सबसे लास्ट में अंदर भी कौन सी गई थी? डी निकली, डी गई थी। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो सबसे लास्ट में जा रही हो क्या हो रही, सबसे पहले आपकी बाहर जा रही। तो ये आपका क्या था? ये आपका क्यू था। अब बात होती, ये तो मैंने आपको बताया स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, उसके ऑपरेशन क्या होते हैं, उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है। अब होता है इम्प्लीमेंटेशन। अगर अपन इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो दो तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग एरे और एक होता है यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। अब देखिए, अगर एरे की बात करो तो एरे अभी अपन ने थोड़ा सा पढ़ा, एरे की बात करेंगे तो उसमें कैसा होगा। माना कि अगर आपने स्टैटिक एरे ले लिया, माना कि इंट एक्स, इसकी साइज 5 ले ली, तो आप 5 एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। एरे में क्या होता है? इंडेक्स होता है, माना कि इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 4। तो इंसर्ट करना है तो सबसे पहले इंसर्ट, सपोज आपने ए इंसर्ट किया, फिर बी इंसर्ट किया, फिर सी इंसर्ट किया, फिर डी इंसर्ट किया फॉर एग्जांपल। तो आप जब डिलीट करेंगे तो सबसे पहले डिलीट क्या होगा? सबसे पहले डी डिलीट होगा, फिर सी डिलीट होगा, फिर बी डिलीट होगा, फिर आपका क्या डिलीट होगा? आपका ए डिलीट। तो इस यहाँ से तो यहाँ से ही आपकी जो डेटा होते हैं वो इंसर्ट होते हैं, और यहाँ अपन इसको क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। तो ये अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटिंग द स्टैक यूजिंग एन एरे। तो आज अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास के वीडियो में अपन कोडिंग पार्ट देखेंगे कि एरे के कोडिंग पार्ट से किस तरीके से इसको अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अपन ये भी देखेंगे कि लिंक लिस्ट से इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आप वीडियो देखते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें।